गाइस, सब्सक्राइब कीजिए राकेश बाइजारो बैकपैकर्स चैनल को। Hey everyone, so this side Rakesh and you're watching Rakesh Vaizaro YouTube channel. So guys, thank you for supporting my channel always. And today, हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी आ रखे हैं यहाँ पे सेलिब्रिटी फेस विला में। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कल्याणी के नाम से पूरा इंडिया जानता है। कुछ से रफ्ता में आती हैं, डेली हम इनको देखते हैं जी टीवी में। सो आज आ रखी हैं सेलिब्रिटी फेस फोटोशूट के लिए दिल्ली में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीम, आप बताइए आपका सेलिब्रिटी फेस में फोटोशूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा टिल नाउ? हां, हमेशा ही अच्छा रहता है, बट इस बार मैं मेन विला में आई हूं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक इट्स जस्ट वेरी ग्रेट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट दीस गाइस आर रियली प्रोफेशनल बिकॉज यू नो प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी होता है एंड यू नो एवरीथिंग इज सो नाइसली मैनेज्ड एंड लाइक यू नो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दैट्स समथिंग रियली ग्रेट अबाउट दैट। आई थिंक आपका तो स्वागत भगवान ने बारिश हो गया आपका, यानी प्रभु ने हर तरीकों से आपका स्वागत हो गया। तो आई थिंक बहुत अच्छा रहा आपको सेलिब्रिटी फेस मिला, हम आपको इनवाइट करके। सो गाइस, हम कुछ पूछना चाहेंगे अगेन रीम, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में और भी दूसरे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे उनके आए दिन नए नए कंटेंट आते रहते हैं। बहुत जल्दी ऑब्वियसली हम रीम को देखेंगे, नए अपकमिंग वीडियो सॉन्ग्स में भी देखेंगे जहाँ हमें सुनने में आ रहा है कि वो उनकी बातें चल रही है बहुत सारे वीडियो सॉन्ग्स के लिए। तो रीम, पहले तो आप बताइए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं अपार्ट फ्रॉम आपके जो टीवी शोज आ रहे हैं आपके? ओके, तो एक्चुअली अभी मैं बात कर रही थी अपने प्रोडक्शन वालों से एंड मेरा और विशाल का पहला गाना, लाइक मेरा पहला डेब्यू गाना आने वाला है एंड दैट्स विद विशाल पांडे, ही इज अ टिकटॉक स्टार एंड आज अभी मैं पोस्टर देख चुकी हूं, पर आपको पोस्टर देखने मिल जाएगा दो दिन में। ठीक है, ये वीडियो भी दो दिन बाद ही आएगा तो ऑब्वियसली फैंस के लिए खुशखबरी है पहली। यस, बाद में पता चलेगा, पोस्टर पहले लॉन्च होगा, वीडियो बाद में आएगा, मैं इसको सीक्रेटली दिखा दूंगी बाद में। पर थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली गाइस, सो डू सपोर्ट रीम विद अ अपकमिंग न्यू एल्बम। टिकटॉक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, सारे स्टार वहाँ पे जा रहे हैं और बहुत सारे सिंगर्स भी जा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि रीम का फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है बॉयज में? कितने दोस्त हैं मेरे टिकटॉक पे? तो मुझे भावेन का गैंग बहुत अच्छा लगता है, भावेन, विशाल, समीक्षा, इन तीनों का गैंग। आई रियली लव दैट कंटेंट, आई थिंक तीन ने गाड़ा नाम है ना उनके गैंग का, आई रियली लाइक दैट गैंग। एंड अवनीत, ऑब्वियसली शी इज माय डियरेस्ट फ्रेंड, अवनीत का मुझे कंटेंट अच्छा लगता है। एंड आई थिंक मैं ज़्यादा नाम ले लूँगी इधर बिकॉज आई लव आशिका, आई थिंक आशिका टिकटॉक पे ना कंटेंट नहीं बनाती, वो टिकटॉक पे एक्टिंग सिखा देती है लोगों को। अगर आप न्यू कमर है तो प्लीज आशिका का अकाउंट एक बार जाके आप टिकटॉक पे देखना। एंड आई थिंक मैं बहुत नाम ले चुकी हूँ। एंड किसका कंटेंट आपको पसंद नहीं आता? अगर ये टिकटॉक में बंदा इसके बस फालतू के वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, बजाने क्या? नहीं, इट्स नॉट आपके, आपको भी लगता है यार ये इसको क्यों इतना भाव मिल रहा है? मुझको, मैं अच्छा कंटेंट नहीं बनाती, मुझको इतना भाव क्यों मिल रहा है? आपके तो अभी बहुत है, 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स का, आप अभी आप एक्टिव नहीं, तब इतने आपके फॉलोअर्स हैं। तो भाई मैं अच्छा कंटेंट नहीं बनाती, मुझको क्यों इतना भाव दे रहा है टिकटॉक, नहीं देना चाहिए। ये तो आपके फॉलोअर्स का प्यार है, आपके सीरियल्स इतने सालों से चला आ रहा है। ओके, ये जानना चाहेंगे बिकॉज टिकटॉक में देख रहे हैं कि आए दिन नया गाना आता है, ट्रेंड पे जाता है, फिर दूसरा सिंगर आता है, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसके गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं टिकटॉक में जो आते हैं, जिस पे आप वीडियोस बनाना पसंद करती हैं? मुझे अभिनीत के गाने का जो सिंगर है ना निक, मुझे उसका गाना बता ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जेनुइनली मुझे यारी जो सॉन्ग था अभिनीत का वो बहुत अच्छा लगा, और फिर निक का अभी अभी कोई दूसरा गाना भी आया रिलेशन, तो आई थिंक निक इज अ रियली गुड सिंगर, आई लाइक हिज वॉइस और उनके गाने अच्छे होते हैं। और कोई दूसरा सिंगर किसी का नाम लेना चाहेंगे जिसका आप काम भी करना चाहेंगे? दूसरा, बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स आज के डेट पे आ रहे हैं, जस मानक हो गए, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे। फिलहाल सच में कोई दिमाग में नहीं आ रहा निक के अलावा, बिकॉज मुझे रिसेंटली उनका गाना आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके,
इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपको कौन किस टाइप के वीडियोस बनाने पसंद है टिकटॉक पे स्पेशली कॉमेडी डांस मस्ती आई लाइक डांसिंग सो आई थिंक डांसिंग वुड बी गुड फॉर मी एंड उसके अलावा आई थिंक कॉमेडी बिकॉज मैं टिकटॉक शायद से हंसने के लिए बोलूंगी तो टिकटॉक कॉमेडी आपके जितने भी फैंस हैं ऑब्वियसली जो टीवी सीरियल्स देखते हैं बहुत सारी फीमेल आपकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ऑब्वियसली बहुत लोग फीमेल नहीं आती लाइक अगेन जो वर्किंग वुमेन वो लोग टिकटॉक पे नहीं है तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी वो क्यों आ जाए टिकटॉक पे क्या ऐसा करें किस टाइप की टिप्स देना चाहेंगी सिर्फ टिकटॉक की टिप्स नहीं दूंगी आई वुड जस्ट गिव यू टिप्स दैट इफ यू आर अ वर्किंग लेडी इफ यू आर लाइक यू नो अ हाउसवाइफ डोंट थिंक कि आप कुछ कर नहीं रहे बिकॉज जब तक एक औरत घर नहीं बनाएगी तब तक वो मर्द क्या करेगा घर पे जब उसके पास घर ही नहीं होगा तो फिर वो मर्द लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा सो यू आर अ हाउस मेकर एंड आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट तो कभी अपने आप को कम मत समझना कभी ये मत समझना दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर अ हाउस वाइफ यू आर स्टिल डूइंग अ लॉट एंड आप इतना घर पे काम करती हैं तो आई गेस यूट्यूब या टिकटॉक पे आ ही जाइए थोड़ा मस्ती थोड़ा फन के लिए I really like YouTube. जैसे आपका YouTube का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. I love YouTube. Okay. And ये जानना चाहेंगे कोई top three again fans को कोई tips देना चाहती हैं TikTok से related कि कैसे videos वो बनाएं किस type के ना बनाएं because आपका जितना भी friend circle है all are on TikTok and again वो top level पे हैं. So don't try to copy someone. ये मुझे मेरे पापा ने हमेशा सिखाया that you know if you अगर आपको लाइक यू नो सपोज कोई एक्टर पसंद है आप अगर वो बनना चाहेंगे तो फिर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी उनके पास वो एक्टर है तो वो उसके जैसा कोई एक और नहीं चाहेंगे सो यू गॉट बी समथिंग ऑफ योर ओन यू गॉट डू समथिंग ऑफ योर ओन समथिंग डिफरेंट तो वैसे ही इफ यू वांट टू स्टैंड आउट यू हैव टू बी योरसेल्फ सो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें ओरिजिनल कंटेंट समथिंग ऑफ योर ओन किसी का कॉपी मत करिए बिकॉज उससे आप अलग नहीं होंगे और कुछ टिप्स और इसके अलावा एक तो ये हो गया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें लिपसिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी बहुतों के लिपसिंग मैच नहीं होते वीडियोस पे आई नो लिपसिंग मैच करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट आई नो मुझे भी डिफिकल्टीज मैंने फेस की है पहले आप कैसे करते हो बट मैं हमेशा स्लो मोशन के वीडियो बनाती हूं मैं ऑब्वियसली कभी वीडियो नहीं बनाती आई ऑलवेज मेक स्लो मोशन एंड आई वुड से दैट जस्ट व्हाट यू फील फ्रॉम विद इन ना वो करिए क्योंकि अगर आप लाइक यू नो कुछ फोर्सफुली करेंगे ना तो फिर आप कभी उस काम में सक्सीड नहीं कर पाएंगे तो जब तक आपको दिल से ख्वाहिश ना हो कुछ करने की तब तक आपको वो चीज़ करनी नहीं चाहिए दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड यू आर रिस्पेक्ट अदर्स जैसे कि मैंने देखा है कि आजकल लोग टिकटॉक वीडियोस पे बहुत हंसते हैं लाइक लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कुछ वीडियोज का बट लाइक यू नो मजाक उड़ाना और किसी चीज पे हंसना ये दो अलग चीजें हैं मजाक उड़ाना इंसल्टिंग हो जाता है किसी का कंटेंट देख के अगर आपको हंसी आती है तो वो अच्छी बात है बट किसी का मजाक ऐसे लोग उड़ाना आई पर्सनली डोंट लाइक इट और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पाती तो यू शुड नेवर पुट एनीबडी डाउन ओके अब मैं कुछ अगेन आपके फ्रेंड्स के नाम लूंगा उनके बारे में एक वर्ड में बोलना है आपको अगेन अवनीत कौर talented Siddharth Nigam superly talented he is I think he is great unke unhone is umr mein jo kiya hai I don't think so koi bhi kar sakta hai and jo unka instagram name hai the one and only he is the one and only Arishma Khan she's cute yeah. she's just so damn cute ek din main unse milti hu hum log saath mein photo shoot karwa chuke she is just damn cute zara to be darling, she's Janu. I think Janu says it well. No, not Janu, Jannu. Like, you know, ये बहुत spelling को लेके लोग confused हो चुके हैं, but I call her Jannu. I don't call her Janu, I call her Jannu. And मैंने बहुत पहले से उन्हें ये नाम दे रखा है. And anything about Anushka Sen? Anushka, I think she is the one who started everything. If we talk about TikTok, if we talk about like, okay. and if we talk about Instagram post, I think she is the one who started. She was there before all of us. So yeah. Great. Thank you so much, Naleem, for joining in. Thanks for Liberty Face. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And I hope आपके interview आपके fans को भी अच्छा लगे. And guys, ऐसे ही प्यार देते रहिए Naleem को. उनके songs आने वाले हैं, back to back आने वाले हैं. सपोर्ट करिए शेयर करिए कमेंट करिए और ऐसे ही इनको इतना प्यार दीजिए कि वो पूरे इंडिया में आपसे मिलने आती रहे थैंक यू सो मच थैंक यू